पांच फन वाला मायावी नाग, पांच नाग मणिया जिसकी आसुरी शक्ति का स्तोत्र है, जिसके पांच फनों से उत्सर्जित विष मनुष्य के मस्तिष्क को विकृत करके उसे अपना दास बना लेता, और यदि वो चाहे तो उसके प्राण ले सकता, उसे कंकाल बना सकता, उसे भस्म कर सकता। उसे लंकेश रावण ने सुमेरु भेजा हनुमान और सुमेरु वासियों का विनाश करने के लिए, और उसने आते ही अपनी विनाश लीला आरंभ कर दी। नदी के जल को विषैला कर दिया, मुखिया और सुमेरु वासियों को विषाक्त करके अपना दास बना लिया। तब सुमेरु वासियों को जल उपलब्ध कराने के लिए हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति से कुआं बना दिया। इधर अंजना चिंतित थी। आज इंद्र ने अंजना को केवल पूर्णिमा तक का समय दिया था, उसके पश्चात अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस स्वर्ग लोक लौटना था। पंचपन ने अतिबल को भेजकर हनुमान को बुलवा तो लिया, किंतु पंचपन को हनुमान की शक्तियों का अनुमान नहीं था। हनुमान की वज्र समान देह पर पंचपन के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और अंततः उसे अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। किंतु इस युद्ध में हनुमान के मित्र विष के प्रभाव में आ गए, और उधर महाराज केसरी अपने सेनापति और अन्य सैनिकों के साथ पंचफन को ढूंढने निकल पड़े। इधर पंचफन ने भी विषाक्त हुए सुमेरु वासियों को आक्रमण के लिए भेज दिया। देखते ही देखते विषाक्त हुए सुमेरु वासियों ने उन सब पर आक्रमण करके उनको भी विषाक्त कर दिया। हनुमान ने कुछ गांव वासियों को तो बांध दिया, किंतु महाराज केसरी व अन्य को पंचफन ने अपने विष के प्रभाव से अपना दास बना लिया। हनुमान के विषाक्त हुए मित्रों ने नानी को भी विषाक्त कर दिया, उन सब ने अंजना पर भी आक्रमण कर दिया, किंतु हनुमान ने अपनी मां को बचा लिया। पंचफन ने पुनः चाल खेली और अतिबल को कहकर महाराज केसरी के बहाने हनुमान को पुनः बुलाया। प्रभु, इस पंचफन ने तो भयानक विनाश लीला मचा रखी थी। हां प्रिय, इस बार हनुमान के विरुद्ध उसने बहुत भयंकर व्यूह रचना बना रखी थी। जिस जाल में हनुमान को उलझाना था, उसकी कल्पना तो स्वयं हनुमान ने भी नहीं की थी, किंतु इसी महालीला से ही हनुमान का महाकल्याणकारी नागमेखला अवतार हुआ। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वाह अतिबल वाह, हनुमान को मेरे चंगुल में ले ही आए। बल बला बल बल, अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान। क्यों धक्का लगा सुनकर? हाँ, अतिबल मेरे साथ मिला हुआ है। धक्का? नहीं तो, मुझे तो पहले ही ज्ञात हो चुका था कि ये अतिबल तुम्हारे साथ है। हनुमान, न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने। इसे छोड़ना मत, दंडित करो, दंडित करो इसे। अतिबल को इतना कुछ कैसे ज्ञात है इसके बारे में? भ्रम हुआ है तुम्हें पंचफन, अतिबल मुझे यहाँ नहीं लाया है, मैं अपनी इच्छा से आया हूँ यहाँ पर।
रुको। तुम लोग नहीं, हनुमान को तो मेरा एक विशेष आज्ञाकारी दास मारेगा। केसरी! पिताश्री! ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। अब लगा धक्का तुम्हें। तुम्हारे पिताश्री मेरे अधीन है अब, मेरे आज्ञाकारी दास। और अब देखना कैसे तुम भी मेरी आज्ञा मानते हो। पंचपान! अब सुनो, तुम्हारी देह पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु विष देह के भीतर चला गया तू। अग्नि से अप्रभावित रहते हो तुम, किंतु जब लावा देह के भीतर गया था तब तुम पर लावा का प्रभाव तो पड़ा ही था। है ना अतिबल? बलबला बलबल। अब तुम अपने पिताश्री के हाथों पियोगे ये विष। मेरा युगों पुराना विष, यह विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। पिताश्री भी पंचपान के विष के प्रभाव में आ गए। अतिबल, तुम तो बता रहे थे कि हनुमान अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, किंतु ये तो अपने पिता की आज्ञा ही नहीं मान रहा। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। पुत्र, खीर खाओ। पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। अब अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। Ha 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 ha!
ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव ने सृष्टि की रक्षा हेतु किया था विष का पान। पिता के सिरे विष अधीन है, नहीं है अपने पुत्र का भान। हनुमत है आज्ञाकारी, विष पी कर रखते पिता का मान। प्रजा और पिता की रक्षा को कटिबद्ध महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ हे प्रभु, सुमेरु के सभी वासियों की रक्षा कर। अब तुम पीछे हट जाओ केसरी, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। अब तुम्हारी वरदानी शक्तियां भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान, अंत होगा तुम्हारे पिताश्री का, अंत होगा सारे सुमेरु वासियों का। विनाश, महाविनाश। मेरे दासों जाओ, विनाश कर दो सबका, अंत कर दो सबका, हाहाकार मचा दो पूरे सुमेरु में। पंचपन को ऐसा नहीं करने दूंगा। चूक गए, पुनः मारो। किस पर हाथ उठाओगे, किस पर प्रहार करोगे, मुझ पर या अपने पिताश्री पर? तुम कुछ नहीं कर पाओगे हनुमान, मेरा विष तुम्हारे प्राण हर लेगा। यहां तुम मरोगे और वहां तुम्हारे राजभवन में मेरे दास उसी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी नानी को मारेंगे, तुम्हारी मां को भी मार डालेंगे, कोई नहीं बचेगा राजभवन में। हनुमान, एक बार तुमने मुझे परास्त किया था, किंतु अंतिम विजय तो मेरी ही होगी। महारानी जी, विशाख नगरवासी भवन की ओर आ रहे हैं। तुम सब दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कर दो। जी महारानी जी। प्रभु, इस संकट को हरो, मेरे स्वामी सकुशल और हनुमान पुत्र विजयी हो। बस हनुमान, कुछ अंतिम पल बचे हैं, अपने माता पिता का स्मरण कर लो। कर लो कर लो।
मात पिता की सीख को हनुमान करते हैं ध्यान। इच्छा शक्ति का संचय कर विष को लिया हनुमत ने नाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। कहाँ छुप गए पंचफान? सामने आकर सामना करो। असीम मायावी शक्ति प्राप्त हो चुकी है इन मणियों से। अब मानव रूप में ही तुम्हारा सामना करूंगा हनुमान। आ रहा हूं मैं। मेरे दासों, आक्रमण कर दो हनुमान पर। मैं इन्हें क्षति भी नहीं पहुंचा सकता और इन्हें रोकना भी आवश्यक है। कल ही मुझे कुछ करना होगा। ये क्या कर रहा है हनुमान? मैं इन्हें लता से बांध देता हूँ। ये लता? फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या क्या कर रहा है इससे? महारानी जी, वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। जाओ, तुम सब जाकर छुप जाओ। हाँ। लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। पीछे से वार करता है कायर। पीछे से वार करने वाले एक योद्धा को ये शोभा नहीं देता। फिर लुप्त हो गया ये।
अब तू कहीं भी छुप ले, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। बलबल बलबल, इन पांच मणियों में ही कुछ है जो पंचपन की सहायता कर रहा है। इसके पंचपन से निकले हुए पांच भिन्न प्रकार के विष का रंग और इन पांच मणियों का रंग समान है। इसका अर्थ है कि इस पंचफन के हर एक फन का संबंध एक मणि से है। इन्हें नष्ट कर दूं तो दंड दूंगा हनुमान, मेरे दासों। हनुमान के पिता केसरी का अंत कर डालो, मार डालो इसे। पिताश्री, अपने पिताश्री को बचाने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, अंत करना होगा मेरा, सामना करना होगा मेरा, तब तुम उन तक पहुंच पाओगे हनुमान। ये तो पिताश्री के समीप पहुंच रहे हैं, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। पंचफन, फिर से सर बन गया। ये मणिया, देखता हूँ क्या होता है।
माँ पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए माँ। पंचपन की पांच मणियां, तो ये मणियां ही है इसकी शक्ति का रहस्य। लगता है इसके प्राण भी इन पांच मणियों में ही बसे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बुद्धि के है ये भंडार, बुद्धि की शक्ति से करते पंचपन की मणियों परवार। ये गाथा बाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय बाबली हनुमान। पंचपन, तुम्हारी ये मणियां तुम्हें अब कोई शक्ति नहीं दे पाएंगी। पंचपन, इन पांच मणियों के साथ ही तुम्हारा अंत होगा। अब केवल तुम्हारी अंतिम मणि ही बची है पंचपन। इसके समाप्त होते ही तुम भी समाप्त हो जाओगे। हनुमान, माँ कैसे अपने आंखों के समक्ष अपने पुत्र को मरते हुए देख सकती है? हनुमान, अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए।
देव का नाग है भूषण कहलाते वो भुजंग भूषण शिव अंश महाबली हनुमान करते हैं पंच फन को धारण नाग मेखला धारी हनुमत का अद्भुत अनुपम ये रूप पूजेगा संसार नित दिन नाग मेखला हनुमत रूप नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते हनुमान आपने मेरे पुत्र को क्षमा ही नहीं किया अपितु उसे अपने देह का आभूषण भी बनाया है ये माँ आपको आशीर्वाद देती है आपकी सदा विजय होगी हे भुजंग भूषण आपके रुद्रांश ने तो आपके समान ही नाग को धारण कर लिया है नाग मेखला अवतार धारण कर लिया है हनुमान ने युवराज हनुमान मेरे पुत्र पंच फन को आपने अपने देह पे धारण करके नाग मेखला रूप धारण किया है ये माँ आपके कृतज्ञ है मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपके इस नाग मेखला स्वरूप को जो भी स्मरण करेगा उसे कोई भी सर्प बाधा कभी नहीं आएगी पंचपन तुम्हारी माँ की ममता ने तुम्हें रक्षित किया है उनका वचन निभाने के लिए तुम्हें अपने राक्षसी वृत्ति को त्याग देना होगा त्याग करके सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना होगा हनुमान आपके स्पर्श मात्र से ही मेरे पुत्र में परिवर्तन आ गया है जिन पिता की आज्ञा से मैंने विष पी लिया था उन पिता ने मुझे एक सीख भी दी थी कि बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है जो अच्छे होते हैं उनसे तो सब अच्छा व्यवहार करते ही हैं, किंतु जो बुरे होते हैं उनसे अच्छाई करो तो वो भी अच्छे बन जाते हैं क्या हो रहा है
सब स्वस्थ तो लग रहे थे, ये एकाएक क्या होने लगा? पिताश्री, हनुमान आप जो सोच रहे हो वो सत्य है, ये सब विष का ही दुष्प्रभाव है। मैंने इसे समझाया था कि तुम्हारे विष का परिणाम बहुत ही भयानक होगा, तुम अपने विष का प्रयोग केवल अपने प्राण बचाने में करना, परंतु ये नहीं समझा। ये सब इसी का परिणाम है जो आज सभी के प्राण संकट में आ गए हैं। हाँ, मेरे ही विष से ये सब विषाक्त हुए, किंतु बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं इन्हें इस विष के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकता। ये सब किसी पर अपने विष का प्रभाव तो नहीं डाल सकेंगे, किंतु जो विष इनके भीतर गया है वो इनके प्राण हर लेगा। बस कुछ समय और ये जीवित रहेंगे। कि यही दशा रही तो अनर्थ हो जाएगा, किससे उपचार कराऊं इनका? ये सब ऐसे ही संकट में पड़े हुए। किंतु कोई तो उपचार होगा इनका। बोलो पंचपन, कोई तो उपचार होगा। क्या हुआ पंचपन, बता क्यों नहीं रहे हो? क्या है कोई उपाय? हाँ, उपाय तो है। किंतु ना होने के समान दैत्य गुरु शुक्राचार्य वही इस विष का उपचार अपने संजीवनी विद्या से कर सकते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो असुरों और देवताओं के गुरु हैं। वो किसी भी परिस्थिति में इनका उपचार नहीं करेंगे। कोई अन्य उपाय भी तो होगा। मैं कैसे अपने पिता को सकुशल अपने साथ ले जा पाऊंगा? कैसे सभी सुमेरु वासियों की रक्षा कर अपना युवराज धर्म निभाऊंगा? हे प्रभु, हे भोले बाबा, कोई तो उपाय होगा जिससे मैं इन्हें स्वस्थ कर पाऊं। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। आयुष्मान भव। इस विष का एक उपाय है हनुमान, ये उपाय है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप? किंतु वहां जाकर लौटना तो असंभव है।